हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने मड़ुआ का हलवा बनाकर हलवा का रेसिपी लेके आई हूँ। यह बहुत ही सेहतमंद है और पौष्टिक से भरपूर है। इसे खाने से खून की कमी भी दूर होती है और बहुत सारे बीमारियों से हमें बचाता है, इसीलिए हमें मड़ुआ का सेवन करना चाहिए। तो चलते हैं मड़ुआ का हलवा बनाने की ओर। मैं आज मड़ुआ का हलवा बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैं मड़वा ली हूँ। गैस में मैं कढ़ाई को चढ़ा करके इसमें मैं घी डाल करके घी को मैं गर्म कर लूँगी। घी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ये मड़वा को डाल लूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से चला लूँगी और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। मड़वा को गोल्डन ब्राउन, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे भून लूँगी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये पौष्टिक से भरपूर होता है। ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे कई तरह से इसका रेसिपी भी बनाया जाता है और खाया भी जाता है। इसे खाने से बहुत सी बीमारियां नहीं होती है। इसमें अच्छे स्वाद के लिए, स्वाद पकड़ने के लिए मैं इसमें नमक डाल लूंगी और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। इसे मैं पानी डाल करके मिक्स कर लूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से सुखा लूंगी और इसमें मैं अपनी चीनी भी डाल लूंगी। जितना मीठा पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। देखिए गाइस, ये मैंने इसे चला चला के इस तरह से सुखा दिया है इस पानी को और ये हमारा मड़ुआ का हलवा बन करके रेडी हो चुका है। और इसे मैं चूल्हे से उतार लेती हूँ और इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा मड़ुआ का हलवा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। हमारा ये मड़ुआ का हलवा बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।